हाय गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं एक मॉर्निंग रूटीन का। और आज मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे कुछ टिप्स शेयर करूंगी, स्पेसिफिकली अबाउट बेली फैट। जो बेली फैट हम में से बहुत लोगों को नहीं चाहिए होता है, नहीं अच्छा लगता है, तो हम क्या ऐसी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें या डेली लाइफ में इंक्लूड करें जिससे हमें इससे रिलीफ मिले। सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में आप ले सकते हो एप्पल साइडर विनीगर वाटर विद अ पिंच ऑफ लेमन। एप्पल साइडर विनीगर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंट कंडीशंस। अगर आपको शुगर क्रेविंग्स या इंसुलिन सेंसिटिविटी है तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड कर सकती है फॉर योर बेली फैट। उसके बाद जो रूटीन मैं आपको पता ही होगा काफ़ी टाइम से करती हूँ, वो है स्ट्रेस को कम रखना, स्ट्रेस को दूर रखना, जिसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूरी है ही। उसके साथ जर्नलिंग करना, एफर्मेटिव जर्नल्स लिखना, ब्रीदिंग करना, जो मैं 45 डेज का आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे चैलेंज ला रही हूँ, उसमें मैंने प्राणायाम कैसे करना होता है वो भी बता दिया है। अब मैं फटाफट ड्राई फ्रूट्स लेके आपको दिखाने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइजेस जो आप डेली 15 मिनट के लिए कर सकते हैं आफ्टर योर फुल बॉडी वर्कआउट टू गेट अमेजिंग बेली फैट रिडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग कोर। सबसे पहले हम करेंगे हाई प्लैंक। इसको आपको होल्ड करना है फॉर 1 to 2 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। ये एक सॉलिड एक्सरसाइजेस है, नॉट जस्ट कोर एक्सरसाइज के लिए बट ऑल्सो शोल्डर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2 हम लोग करेंगे सिंपल बेसिक क्रंचेस। नी को ऐसे बेंड किया एंड इस तरह से आपको कोर को फील करते हुए क्रंचेस करने, बहुत आराम आराम से इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए, बस मुझे फॉलो कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 में आप बस अपने पैरों को उठा लीजिए एंड हम करेंगे फीट ऑफ क्रंचेस। सारे एक्सरसाइजेस को आपको 30 सेकंड्स के लिए करना है, जितने भी रेपिटेशंस आप कर सकते हो। 4 नंबर एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ हो सकता है, आराम से करना। ये है अल्टरनेट वी टो टच, और इसमें भी आपको ब्रीदिंग पैटर्न ध्यान में रखना है एंड 30 सेकंड्स के लिए, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो आप करिएगा। नी बस बेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर एकदम बिगिनर है तो नी बेंड कर लेना। लास्ट एक्सरसाइज है लेग रेजेस। ये भी बहुत अच्छा है कोर के लिए। लेग्स को ऐसे उठाना है, नी बेंड नहीं करना है एंड हील को मैट के साथ टच नहीं करना है। जैसे मैं वापस लाई, टच नहीं किया और सीधे डायरेक्ट ऊपर कर दिया, इससे कोर की स्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। तो ये 5 एक्सरसाइजेस आपको करने हैं, 3 राउंड्स करने हैं बैक टू बैक विथ 10 सेकेंड्स ब्रेक बिटवीन द 3 राउंड्स। डेली 15 मिनट्स करेंगे आपके वर्कआउट के बाद। कोई भी आप वॉक पे जा रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जिम में वेट लिफ्ट कर रहे हो, घर पे वेट लिफ्ट कर रहे हो, बट कोर के लिए स्पेसिफिकली ये एक्सरसाइजेस करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा कोर में स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ मिलेगी, बेली फैट लॉस में हेल्प करेगी। डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, ये सब नॉन नेगोशिएबल है। ऑलमोस्ट लास्ट 1-2 महीने से मैं ले रही हूँ फाइटिका के लेट इट मेल्ट टैबलेट, जो 100% नेचुरल सप्लीमेंट है वेट मैनेजमेंट के लिए। इसमें है गार्सिनिया कम्बोजिया, जो आपके एपेटाइट को कंट्रोल करेगा, है त्रिफला, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, काली जीरा, जो आपके बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करेगा, ग्रीन कॉफ़ी इम्प्रूव करेगा मेटाबॉलिज्म एंड वेट को मैनेज करने में हेल्प करेगा। इनिशियली मैंने इसको जब लिया तब मुझे सिर्फ हल्का सा फ़र्क शुगर क्रेविंग में पड़ा था, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बट सेकेंड मंथ आई सॉ कि आई कुड डेफिनेटली फील मोर एनर्जेटिक एंड एक्टिव एंड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में डेफिनेटली ये हेल्प करता है। तो अगर आपको ट्राई आउट करना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी। ऑफकोर्स ये शॉर्ट टर्म कोई रिजल्ट देता नहीं है, मिनिमम 90 डेज तक आपको बिना कोई जंक फूड लिए हुए और जो जो मैंने कहा उसके साथ लेना है टू सी सम रिजल्ट। बेसिकली ये कोई क्विक फिक्स फैट नहीं है, ये एक सस्टेनेबल रिजल्ट देता है। ऑल राइट, और अब क्योंकि आज है सैटरडे वीकेंड, तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही हेल्दी टेस्टी यमी पैनकेक्स, हेल्दी तरीके से पैनकेक, जो मेरी थोड़ी सी स्वीट क्रेविंग्स को डील करेगी एंड ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है ऑन वीकेंड्स। एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद बनाऊंगी, चलिए फटाफट बनाते हैं। हाई प्रोटीन भी होगा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट की भी आपकी पूरी होगी एंड एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी है अगर आपको शुगर क्रेविंग रहती है तो चलिए फटाफट इसको बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, और ये रेसिपी भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। राइट, बहुत ही सिंपल क्विक रेसिपी है। आपको रोल ओट्स लेना है, एक राइप बनाना लेना है, उसके बाद मैं ले रही हूँ एग। आप एग नहीं खाते हो तो आप बटर भी यूज़ कर ले इसके जगह, इट वर्क। ओके, अब उसके बाद मैं ले रही हूँ हनी फॉर स्वीटनर, यू कैन ऐड रेजिंस, डेट्स, शुगर, जो भी आपको ठीक लगे, एंड दूध ऐड करना है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है क्योंकि कंसिस्टेंसी हमें बहुत थिन नहीं चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का चाहिए। इसके बाद ब्लेंड कर लो,
ब्लेंड करने के बाद देखो कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, बहुत थिन बनेगा तो वो चिपक जाता है पैन के साथ, तो कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए। नाउ आई एम मेकिंग मिनी पैनकेक, मतलब छोटे छोटे साइजेस का पैनकेक बना रही हूँ। सो ऐसे मैं पहले 3 बनाऊंगी एंड आई लव दिस। मैं डाइट में जो मेरे क्लाइंट्स रहते हैं ना उनको भी ये देती हूँ खाने के लिए, आप हफ्ते में एक दिन डाइट में भी ले सकते हैं। नाउ क्योंकि ये मिनी साइज़ का है तो बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है, तो फटाफट आप एक टेक अ स्मॉल स्पून एंड जस्ट फ्लिप इट ऑन द ऑपोजिट साइड एंड देन ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए 6 मिनी पैनकेक्स बना रही हूँ। उत्सव इज़ गोइंग टू हैव समथिंग सेवरी फॉर ब्रेकफास्ट बट आई एम गोइंग टू एन्जॉय दिस, मुझे अच्छा लगता है। उत्सव इज़ नॉट अ बिग फैन ऑफ पैनकेक्स बट आई लाइक इट। और किस किस को पसंद है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इनफैक्ट आपको पता है एवरी संडे वी गो टू आइदर पॉल्स और थियोस और मैं अपने लिए पैनकेक ज़रूर ऑर्डर करूँगी, आई रियली लव पैनकेक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो गया है तैयार मेरे पैनकेक्स। मैंने ऊपर से थोड़ा सा बनाना काट के दे दिया एंड आई एम ड्रिजलिंग अ लिटिल बिट ऑफ हनी। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया बनता है। बहुत ज़्यादा हनी मत डालिएगा अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, बिकॉज शुगर ही है एट द एंड ऑफ द डे, कैलोरी बढ़ेगी, सो कीप इट लेस। ऑलराइट, स्पेशली क्योंकि ये वीडियो मैंने बेली फैट एंड वेट लॉस के लिए बना रही हूँ, तो एक बात बता दूँ जो कि जैगरी, शुगर, खांड, डेट्स, रेजिन्स, हनी, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव ऑफ शुगर, सब में कैलोरीज है, इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज है। तो आप बहुत लोग ये सोचते हैं कि जैगरी खाएंगे, खांड लेंगे तो हम जितना मर्जी ले सकते, बिल्कुल भी नहीं, उसको भी कम लेना है। हाँ ऑफकोर्स रिफाइंड वो कम होती है फ्रॉम प्रोसेस्ड वाइट शुगर बट इट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड कार्ब्स। तो जब आपको बेली फैट एंड वेट लॉस करना है तो आपको डेफिसिट में रहना पड़ेगा और ऐसे कैलोरी हमारी बढ़ जाती है और हमको लगता है हम तो हेल्दी खा रहे हैं। कैलोरी बहुत ही ट्रिकी एक चीज़ है, हमें वो थिन लाइन समझना बहुत ज़रूरी है। एंड येस, बेली फैट के लिए भी आपको कैलोरी रिडक्शन में रहना पड़ेगा। फैट है बॉडी में तो डेफिसिट में थोड़ा सा रहना ही पड़ेगा टू रिड्यूस दैट एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम योर बॉडी। ऑलराइट, एंड प्लीज़ गिव टाइम। बेली फैट रिडक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है औरतों को, सो हैव पेशेंस एंड यू विल डू इट। ओके, बाई।